ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। खतरा इसलिए क्योंकि WHO ने खुद कहा है कि ये जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है ये डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितना डेल्टा वेरिएंट 100 दिन में फैलता था उतनी तेजी से ये 15 दिनों में फैलता है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। 160 मरीज अभी तक पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। भारत में कोई मामला सामने नहीं आया लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट अगर कहीं से दस्तक देगा तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ ही देगा। देखिए गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय यात्री यहाँ से आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री आएगा उसके साथ पूरी पूछताछ होगी। एक फॉर्म भरा जाएगा RT-PCR रिपोर्ट के साथ, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। साफ तौर से यह कहा गया है कि जो भी लोग ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पे ही होगा। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा तुरंत। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से कुछ लोग लौटे हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनमें कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रियों पर पाबंदियां लगा दी। न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों को उनका आना ही बैन कर दिया है। जापान ने अपनी सारी सीमाएं जो है वो सील कर दी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 160 मरीज मिले हैं, सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका, 99 मरीज वहां पर मिले हैं। इस लिस्ट में दूसरा नंबर हांगकांग का है जहां इस वेरिएंट की चपेट में 25 लोग आ चुके हैं। यही नहीं, यूरोप के कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत तेजी, बहुत रफ्तार से फैलता है, डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सावधान, सतर्क, डरना नहीं है, खौफ में नहीं रहना है। बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो मुश्किल से पहले परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करते हैं। और लड़ाई की तैयारी कहां करनी है, यहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहीं से कोरोना का ये नया वेरिएंट अंदर आ सकता है, यहीं पे सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जल्द ही रोक लगा दी जाए। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए अपील की है। क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं, हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी की थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री जी कृपया उड़ानें तुरंत बंद कर दें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से भारत में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस फैसले की समीक्षा की जाए, दोबारा रिव्यू किया जाए क्योंकि जिस तरह से ये नया वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है उसको लेकर एक बार फिर इस फैसले पे दोबारा सोचने की जरूरत है। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, तमाम यात्री यहां से आ रहे हैं, अंदर पूछताछ हो रही है। जो भी यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित यानी जो नया वेरिएंट है उन देशों से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट वहां पर लगातार चल रहा है और ये पूछताछ होनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरी लहर हम सब ने देखी है, लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोगों को हमने खोया था। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बदलते वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया खौफ में है। ये पहली बार नहीं है जब कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है, ये नया वेरिएंट सामने आया। सबसे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट इसी महीने दक्षिण अफ्रीका में मिला है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत है, चिंता बढ़ गई है। तभी इसके पहले 2020 के आखिर में भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला था और इस वेरिएंट ने क्या कहर बरपाया था वो यादें अब भी जहन में है।
यही वजह है सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, वक्त से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। जबकि इससे पहले आपको बता दें कि 2020 के आखिर में ब्राजील में गामा वेरिएंट आया था, इसने भी बहुत तबाही मचाई थी। वहीं 2020 की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के बीटा वेरिएंट ने भी जबरदस्त दहशत मचाई थी। और दक्षिण अफ्रीका में ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, 99 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना का जो अल्फा वेरिएंट था वो 2020 के आखिर में ब्रिटेन में आया था, 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में कोरोना का म्यू वेरिएंट मिला था, जबकि 2020 के आखिर में पेरू में कोरोना का लैम्डा वेरिएंट पाया गया था। तो कोरोना लगातार अपना स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसको आगे जारी रखना है। इसको कौन आगे जारी रखेगा? सरकारें अपनी तरफ से कदम उठाती हैं, लेकिन एक देश के आम नागरिक के तौर पे हम बार बार कह रहे हैं कि हमें भी सावधानी बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सुरक्षा कवच यानी वैक्सीनेशन की दोनों डोज बहुत जरूरी हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दहशत बढ़ा दी है। भारत भी इससे निपटने के लिए लगातार तैयारियां कर रहा है। राज्यों ने अपने स्तर पर तैयारियां कर दी हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी ने अपनी तरफ से तैयारियां कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। तो वहीं इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, क्योंकि जो दूसरी लहर थी, अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था तो वो महाराष्ट्र था। यही वजह है कि इस वक्त से पहले तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वक्त से पहले पाबंदियां लगाने का वक्त अब तमाम राज्यों ने शुरू कर दिया कि पाबंदियां जल्द से जल्द यहां पे लगनी चाहिए। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना से अगर कोई प्रभावित होता है तो वो देश की राजधानी दिल्ली ही होती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए। पंजाब सरकार ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जो है वो जरूरी कर दिया है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। हम बार बार कह रहे हैं, हालांकि इसको लेकर अभी रिसर्च चल रही है, शोध चल रहे हैं, ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। सिर्फ ये जानकारी मिल पाई है कि इसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे बचना और सावधान रहना बहुत जरूरी है। संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट आया है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है, और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे, और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे और एक हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कैबिनेट जो महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें खास तौर पर ओमिक्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यही नहीं तो जो ओमिक्रॉन का हमने प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी ज़रूरी है, और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन हजार सभी कड़े अलर्ट केल्ले आसा, निश्चितच आमकां जी सेंट्रल गायडलायन आसा ती फॉलो करतली।